हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेपर क्विल ईयरिंग बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने येलो कलर की दो स्ट्रिप्स लिए, एक हमने फुल लिए और एक हमने हाफ लिए। ये स्ट्रिप्स हम 3 mm की यूज़ कर रहे हैं। अब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को अटैच कर देंगे। हम इसकी एक रिंग बनाएंगे, टाइट रिंग बनाएंगे। हमने लास्ट 6 नंबर का स्लॉट लिया है इसमें। रिंग बन जाने के बाद उसमें ग्लू लगाएंगे। और इस पूरी रिंग पे भी हम ग्लू लगाएंगे। और एक्सेस ग्लू को रिमूव कर देंगे। ऐसे ही अब हम लाइट ब्लू कलर की रिंग बनाएंगे, लेकिन इससे एक साइज बड़ी। और ये भी हमने 1.5 स्ट्रिप लिए 3 mm की, इनको हम साथ में स्टिक करेंगे। उसके बाद हम इसकी रिंग बनाएंगे। ये रिंग बन जाने के बाद भी हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे। अब हम पहले की तरह इस रिंग पे भी ग्लू लगाएंगे ताकि ये इसी शेप में रहे। और एक्स्ट्रा ग्लू को हटा देंगे। अब हम पर्पल कलर की इससे एक और साइज बड़ी स्ट्रिंग बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। ये भी हमने 1.5 स्ट्रिप्स लिए 3 mm की, इन्हें हम साथ में जोड़ेंगे और पहले की तरह ही रिंग बनाएंगे, बट एक साइज बड़ी। हम इसे स्टिक कर देंगे और रिंग बनाएंगे। रिंग पूरी हो जाने के बाद इसमें ग्लू लगाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे।
बाकी की दो रिंग्स की तरह हम इस रिंग में भी ग्लू लगाएंगे। और एक्स्ट्रा ग्लू को हटा देंगे। ऐसे अब हम पिंक कलर की स्ट्रिप्स लेके पिंक कलर की रिंग बनाएंगे, बट इस बार हमने दो स्ट्रिप्स फुल स्ट्रिप्स लिए हैं 3 mm की। और ये वाली रिंग सबसे बड़ी होगी। ये लास्ट थर्ड स्लॉट पे हम इसकी एक रिंग बनाएंगे। हम इस रिंग को भी स्टिक कर देंगे। बाकी की तीन रिंग्स की तरह इस रिंग को भी हम ग्लू से चिपका देंगे। इसको बहुत आराम से निकालें ताकि आपकी रिंग खुले ना। और अब इस पे ग्लू लगाएंगे। चारों रिंग सूख जाने के बाद हम इनको अटैच करेंगे। येलो को पर्पल के साथ और ब्लू को पिंक के साथ। अब हम येलो और पर्पल कलर की इयररिंग पे ग्लू लगा के ब्लू और पिंक को हाफ हाफ उसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं अभी वीडियो में करूँगी। और अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम इसमें हुक अटैच करेंगे। सबसे पहले एक रिंग लेके हम अपने इयररिंग में लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। इसके बाद हम रिंग में एक हुक डालेंगे और हुक को ऐसे लगाएंगे कि हमारा ग्लूड पार्ट जो है इयररिंग का वो पीछे की साइड रहे, और रिंग को क्लोज कर देंगे। को अच्छे से बंद करें ताकि हमारा हुक बाहर ना निकले। और ये हमारा इयररिंग रेडी है।